Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar and I welcome you in a very first lecture of Control System Engineering. This is a subject of third year, 6th sem. Let us discuss syllabus first. As the name is Control System Engineering, so later on in the start of first unit, we'll discuss the meaning of subject first. Okay, before that, it includes 6 unit. Here you can see Unit number one includes introduction to system concept, open loop closed loop system, then mathematical model of physical system, transfer function, block diagram, reduction and signal flow graph. So पहले unit में actual 3 part है जिसमें हम control system क्या है ये पढ़ेंगे, उसके types पढ़ेंगे, ओके okay? और बाद में कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए 3 मेथड है, जिसमें है पहली ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, सेकंड है सिग्नल फ्लो ग्राफ और तीसरा है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम. ओके, उसके बाद में है यूनिट नंबर टू में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एक्शंस एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स. ओके, जिसमें प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, इंटीग्रल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन, ये हम उसमें पढ़ेंगे. एक्चुअली तब हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या है क्या नहीं. थर्ड यूनिट है ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस. जब भी हम कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करेंगे तो इसको हम टाइम के हिसाब से स्टडी करेंगे, जिसमें सिस्टम प्रोसेसिंग में है तो ये रहेगा उसका ट्रांजिएंट पीरियड. जब सिस्टम स्टेडी है, फाइनल आउटपुट दे रही है जितना हमें डिजायर्ड है, वो रहेगा उसका स्टेडी स्टेट रिस्पांस. तो जब वो प्रोसेसिंग में है उसका आउटपुट वैरी हो रहा है तो ट्रांजिएंट स्टेट रहेगा, और आउटपुट उसका जब स्टेडी हो जाएगा तब वो रहेगा स्टेडी स्टेट. तो ऐसे दोनों स्टेट रिस्पॉन्स के हम इसमें स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, देन नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी. इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी चेक करने का, किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए एक क्राइटेरिया गिवन है, रूट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, उसमें ही हम देखेंगे जो जिसको हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग. वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग इज रूट लोकस, और एक है बॉडी प्लॉट. तो रूट लोकस नहीं पढ़ा तो हमने ये कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग ही नहीं पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम यूनिट नंबर 4 में. यूनिट नंबर 5 डील्स विद द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड, जो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग का. मतलब ये रूट लोकस और बॉडी प्लॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं तो. और लास्ट है यूनिट नंबर 6, स्टडी ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल सिस्टम इन मशीन टूल्स, देन प्राइम मूवर्स, सिस्टम जनरेटर एक्सेट्रा. इसका एनालिसिस और इसका परफॉर्मेंस हम इसमें डिस्कस करेंगे. एक्चुअली यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 2, ये दोनों यूनिट टोटली थेरोटिकल है, जिसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो हम स्टडी करेंगे. एग्जैक्ट डेरिवेशन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी. तो जो हमारा एनालाइजिंग पार्ट है जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी है वो हमारा यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5. ओके, और इस सिलेबस के लिए और इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए बुक आप रेफर कर सकते हो, मॉडर्न कंट्रोल इंजीनियरिंग बाय ओगाटा, वेरी फेमस बुक, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बाय नागराथ एंड गोपाल, एंड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम by V. बक्शी. तो ये probable books है. Right now I am using this book, Feedback Control System by UA Bakshi, and it is available in our library. So without wasting time, let us start our syllabus, that is unit number 1. Okay? So हम unit number 1 start कर रहे हैं, Introduction to Control System. So, इस यूनिट में हम पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसका क्लासिफिकेशन मतलब उसके टाइप्स, देन सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए 3 अलग अलग मेथड. एक है ब्लॉक डायग्राम,
यही पे लिख रहा हूं मैं, सपोज एक है ब्लॉक डायग्राम, सेकंड है सिग्नल फ्लो ग्राफ, और थर्ड मेथड है मैथमेटिकल मॉडलिंग। सो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, देन सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सिस्टम। ऐसे तीन पार्ट है या फिर मेथड है जिससे हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम को हम एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने अभी, हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, ओके, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। वी वेरी वेरी वेल नो अबाउट दी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या है ये हमें पता है, राइट? नो वी आर डूइंग इंजीनियरिंग, ओके। सेकंड वर्ड है इसमें सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, किस चीज को हम सिस्टम बोलेंगे? एक हर एक वो चीज जो अलग अलग कंपोनेंट से बनी है, वो बेसिक फंक्शन फुलफिल करती है, कोई भी सिस्टम। जस्ट लाइक योर पेन, राइटिंग पेन, तो पेन क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, रिफिल, प्लास्टिक कवर, कैप, नीप, ठीक है, इन सब का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, और जिसके वजह से एक फंक्शनल जो बेसिक फंक्शन है उसका, राइटिंग का, उसके वजह से वो फुलफिल हो रहा है, जिसमें इंक भी इन्वॉल्व है। तो ये इंक, नीप, प्लास्टिक रिफिल, प्लास्टिक कवर फॉर प्रॉपर ग्रिपिंग, कैप, ये सब क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स है, उसको प्रॉपरली हमने अरेंज किया है, जिसको हम बोलेंगे एक पेन, मतलब वो क्या हो गया, सिस्टम। और उसका फंक्शन क्या है, टू राइट, आइदर टू राइट ऑन बोर्ड, पेपर, वॉट एवर, जो कुछ भी। सो सिस्टम इज वॉट, सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स विच एक्ट टूगेदर एज एन एंटायर यूनिट टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव, गॉट इट? जस्ट लाइक आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल, लाइक क्लासरूम, वी नो वॉट इज रूम, ओके, अ कवर्ड स्पेस विथ अ वॉल एंड रूफ इज नोन एज अ रूम। वेन वी कॉल दैट रूम एज अ क्लासरूम, वेन दैट रूम इज associated, properly associated with desk bench, light, board, dais, all the required facilities for teaching, learning process. If that room is equipped with all these equipments and arranged properly, then that room is called as a classroom. समझ में आ गया? तो ऐसी कोई भी चीज, just like a chair, table, ये सब के सब क्या है, system है। क्यों? क्योंकि अगर हम टेबल को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगा, वुडन ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। उसी वुडन ब्लॉक्स को हमने प्रॉपरली कनेक्ट किया है, स्टिच किया है, कनेक्ट किया है, ओके, और उससे क्या हो गया, टेबल बन गया। तो टेबल का प्रॉपर फंक्शन टू कीप थिंग्स ऑन इट, टू रेस्ट, तो ये वो हो गया सिस्टम। नाउ सिस्टम होने के बाद में सेकंड है इनपुट। वॉट इज इनपुट? Whatever we are giving to the system, which is to be processed, is known as a input. जो कुछ भी हम signal या फिर कुछ external output पाने के लिए जो कुछ भी हम system को provide कर रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, input. So it is an applied signal or excitation signal applied to control system from an external source in order to produce output. ओके, वैसे तो हम डिस्कस कर रहे थे मीनिंग ऑफ आवर सब्जेक्ट नेम, दैट इज कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, जिसमें हमने सिस्टम देख लिया। सिस्टम क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स अरेंज्ड प्रॉपरली टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्ट, तो वो गया सिस्टम। और सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम कब बोलेंगे, कि उस सिस्टम का हर एक पैरामीटर अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसका कंट्रोलिंग एक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कुछ भी है, प्रोसेसिंग एक्शन अगर उसका कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आउटपुट आपको वैरी करना है वो वैरी कर सकते हैं, तो मतलब आप हर एक सिस्टम के पैरामीटर को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हो गया कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में था इनपुट। तो इनपुट क्या है, कि आउटपुट पाने के लिए जो कुछ भी आप एक्सटर्नल सोर्स से जो कुछ भी सिग्नल आप सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम इनपुट। देन अल्टीमेटली आउटपुट क्या हो गया, वॉट इज आउटपुट? वॉट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज आउटपुट, ओके, बट इट शुड बी
ऑफ आवर इंटरेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि सिस्टम कुछ भी दे रही है तो वो हमारा आउटपुट हो गया है, जस्ट लाइक अ शुगर केन, शुगर फैक्ट्री, तो शुगर केन हो गया उसका इनपुट, ओके प्रोसेसिंग हो रही है, देन अगर उससे शुगर बन रही है तो यू वो हो गया आउटपुट, और जो वेस्टेज मटेरियल है शुगर केन का जो हम फेंक रहे बाद में, तो वो आउटपुट है क्या? नहीं, वो हमारा आउटपुट नहीं है। दैट्स वाई एक्चुअल रिस्पॉन्स या फिर पर्टिकुलर सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे काम का है, वो सिग्नल अगर सिस्टम से हमें मिल रहा है उसे हम बोलेंगे आउटपुट। क्लियर है? नाउ कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम हमने देख लिया कि कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स टुगेदर एक्ट एज अ यूनिट टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट को आपने कलेक्ट किया, असेंबल किया, और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो उसको हम सिस्टम बोलेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा फिर? कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या रहेगा? अगर उसी पैरामीटर्स को आप, सिस्टम के हर पैरामीटर को आप रेगुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो या फिर कमांड कर सकते हो, तो उस सिस्टम को बोलेंगे हम कंट्रोल सिस्टम। ओके, मतलब कंट्रोल मतलब टू डायरेक्ट, टू रेगुलेट, टू डायरेक्ट और टू कमांड द पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम, दैट मीन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। गॉट इट? तो ये हो गई थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नाउ हमें इस यूनिट में तीन मेथड पढ़नी है कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करने के लिए। तो उसमें की पहली मेथड है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इससे पहले मैंने बोला था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, एक सिस्टम है, सिस्टम क्या है? लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम। लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम मतलब इसमें टैंक होगा, जैसे यहाँ पे दिया है एक टैंक है जिसमें लिक्विड है, और वो लेवल इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर है, फ्लोट है, मतलब यहाँ पे इंडिकेटर है, तो ये न्यूमेटिक वॉल है, हम ऑपरेट करेंगे इसको, यहाँ से फ्लूइड इसमें आएगा, ठीक है, यहाँ तक सपोज लेवल है, और ये एक फ्लोट बॉल है, प्लास्टिक बॉल होगा जो एक पॉइंटर से कनेक्टेड है, जैसे जैसे लेवल उसकी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज होगी, जैसे जैसे लेवल कम होगी वैसे वैसे भी बॉल की पोजीशन ऐसी हो जाएगी सपोज। तो लिक्विड लेवल जिस हिसाब से है, जहाँ जितनी है उसके हिसाब से यहाँ पे वो लेवल हमें कंट्रोल यूनिट पे एक मीटर पे इंडिकेट हो रही है। तो इसी सिस्टम को हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या है ब्लॉक डायग्राम का? कि कोई कोई सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेट होती है जज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, या फिर सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट को ड्रॉ करने के लिए बहुत स्पेस लगेगी, आप इजीली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, बॉयलर इतना बड़ा ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ट्यूब्स, इवेपोरेटर ट्यूब्स, कोल सेक्शन, जो कुछ भी है उसमें, सुपर हीटर, ठीक है, कंबक्शन चेंबर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं थर्मल पावर प्लांट की जो हम इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हर मेन फंक्शन को हम एक ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो गया? तो सपोज ये हो गया बॉयलर, देन स्टीम जा रही है बॉयलर से, देन यहाँ पे होगा सपोज टर्बाइन। तो हर एक ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फंक्शनल एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की वर्किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ब्लॉक सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेट अस गो थ्रू थ्योरी। बेसिकली ब्लॉक डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिस्टम। इट इज वेरी सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल सिस्टम। एज वी हैव डिस्कस्ड कि लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम को भी हम जैसे न्यूमेटिक वॉल को एक वॉल बना देंगे या फिर बॉक्स बना देंगे, जैसे ये कंट्रोल यूनिट है, फ्लोट बाद में, उसके बाद में टैंक, आउटपुट मतलब यहाँ पे आ रहा है इसका इनपुट, यहाँ पे हो रहा है उसका आउटपुट, बीच में की प्रोसेसिंग एक्शन। तो इसको, इतनी बड़ी सिस्टम को बस हम एक ब्लॉक ब्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे। इन ब्लॉक डायग्राम इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ सिस्टम कैन बी कन्वीनियंटली शोन बाय
ब्लॉक्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम एलिमेंट है, अगर यही 100 एलिमेंट्स और 1000 एलिमेंट्स की अगर कोई सिस्टम है तो उसको हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर हम हेल्प ले रहे हैं ब्लॉक्स की। सो इट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम, कि प्रॉपरली अगर आपने रिप्रेजेंट किया तो इनपुट का आउटपुट से या फिर आउटपुट का इनपुट से क्या रिलेशन है, कहाँ पे क्या चेंज किया तो कितना वेरिएशन आएगा आउटपुट में, ये हम ऑन पेपर स्टडी कर सकते हैं। सो फॉर स्टडी पर्पस वर्चुअली, फॉर वर्चुअली स्टडी पर्पस वी कैन गेट द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। सो वी हैव डिस्कस्ड हियर एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। सो लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम का हमने एग्जाम्पल लिया, जिसमें ये पाइप है, ये है न्यूमेटिक वॉल, देन इसका इनपुट पाइप, नीचे का आपको दिख रहा है ये है टैंक, यहाँ पे आउटपुट वॉल, देन ये जो बॉल दिख रहा है आपको ये है फ्लोट, फ्लोट से कनेक्टेड जो स्ट्रिप है यहाँ पे उसका पॉइंटर है, और ये क्या है, ये एक मीटर है जहाँ पे उसकी लिक्विड लेवल शो हो रही है। ओके, सो कंसिडर लिक्विड लेवल सिस्टम एज शोन इन फिगर, टू रिप्रेजेंट दिस ब्लॉक डायग्राम आइडेंटिफाई दी एलिमेंट्स। सो एलिमेंट क्या क्या है, एलिमेंट्स में कंट्रोलर, न्यूमेटिक वॉल, टैंक एंड फ्लोट। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट ये नहीं कि कितना पानी इसमें से बाहर निकल रहा है वगैरह, नहीं, हमारा आउटपुट क्या है, इसका नाम क्या है सिस्टम का, लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम। तो लिक्विड लेवल उसमें कंट्रोल होनी चाहिए या फिर इंडिकेट होनी चाहिए, तो जो लिक्विड लेवल इंडिकेट होना रहेगा ये हमारा आउटपुट है, और उसको ऑपरेट करने के लिए न्यूमेटिक वॉल की हमारा इनपुट फंक्शन में आएगा। ओके, सो इन दिस सिस्टम लेवल ऑफ वाटर इज सेंस्ड बाय फ्लोट, एग्रीड, हेंस फ्लोट पोजिशन एक्ट्स एज अ फीडबैक, अकॉर्डिंग टू द फ्लोट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ वॉटर कंट्रोलर ऑपरेट्स न्यूमेटिक वॉल कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वॉटर इन द टैंक। आर गेटिंग, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग पोजिशन, अगर लिक्विड लेवल बहुत कम है तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव होगा, ऐसा ऐसा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, मतलब यहाँ पे है इसलिए फ्लोट हो रहा है, ज्यादा बड़ा उसमें लिक्विड लेवल तो बॉल की पोजिशन ऐसी रहेगी, तो जैसे बॉल की पोजिशन मूव हो रही है, फ्लोट की पोजिशन मूव हो रही है, वैसे वैसे पॉइंटर भी आइदर ऐसा शो करेगा या फिर ऐसा शो करेगा। गेटिंग, तो अगर लिक्विड लेवल कम है और अगर ये मीटर है सपोज, तो देखो यहाँ पे ये ऐसे शो करेगा, अगर सेंट्रली है मतलब एक एवरेज लिक्विड लेवल हमारे पास में है तो वो सेंटर में शो करेगा, अगर लिक्विड लेवल ज्यादा बढ़ गई है तो इधर जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू लिक्विड लेवल इट इज शोइंग ऑन मीटर। नाउ टू एडजस्ट लिक्विड लेवल, लिक्विड लेवल कितनी होनी चाहिए ये ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में न्यूमेटिक वॉल है। ओके, तो प्रॉपर रीडिंग आपको आने के लिए हमारे पास में न्यूमेटिक वॉल है, तो फीडबैक एक्शन कौन दे रहा है, फीडबैक कौन दे रहा है, ये मीटर दे रहा है कि भाई फ्लोट दे रहा है कि लिक्विड लेवल कम है और पानी चाहिए उसमें, तो हम न्यूमेटिक वॉल फिर से ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सिस्टम में फीडबैक मिल रहा है, लिक्विड लेवल चाहिए तो न्यूमेटिक वॉल ऑन कर दो, ज्यादा हो गया कम करना है आउटपुट वॉल ओपन कर दो। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पे इस सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट है कि आपको आउटपुट कितना चाहिए इस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होगी कंट्रोल सिस्टम। सो व्हेन रिक्वायर्ड लेवल इज रीच्ड कंट्रोलर ऑपरेट्स द न्यूमेटिक वॉल इन सच वे दैट फ्लो ऑफ वाटर इन अ टैंक स्टॉप्स। इफ आउटपुट फ्रॉम टैंक इज टेकन, वाटर फ्रॉम टैंक इज ड्रेन एंड द फ्लोट पोजिशन चेंजेस फ्रॉम डिजायर्ड पोजिशन एंड अकॉर्डिंगली कंट्रोलर ऑपरेट्स न्यूमेटिक वॉल टू स्टार्ट फ्लो ऑफ वाटर इन अ टैंक। ओके, गेट इट। तो सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट हमने डिस्कस किए थे वो थे कंट्रोलर, न्यूमेटिक वॉल, टैंक, देन फ्लोट। तो देखो यहाँ पे है इनपुट होना चाहिए, तो डिजायर्ड लेवल आनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ से हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रहेगा आपका इनपुट और यहाँ पे रहेगा आउटपुट। सो लिक्विड लेवल यहाँ से अंदर आएगा, कंट्रोलर में जाएगा, मतलब न्यूमेटिक वॉल से ऑपरेट होके अंदर जाएगा, और
सॉरी न्यूमेटिक वॉल से ऑपरेट होके बाद में टैंक में आएगा, आ गया टैंक में, उसके बाद में और ये एक्चुअल लेवल तक ही आ गया। अगर आपको इसमें पानी ऐड करना है या फिर निकालना है, ये किसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जो टैंक में फ्लोट है उस पे से। तो इससे एसोसिएटेड, टैंक से एसोसिएटेड क्या होना चाहिए? फ्लोट पोजीशन, मतलब फ्लोट होना चाहिए। तो फ्लोट की पोजीशन जिस हिसाब से, उसके हिसाब से आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। तो फ्लोट पोजीशन का फीडबैक सिग्नल फिर से हम घुमा के यहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ से हम इनपुट ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से वाटर लेवल, वाटर ऐड हो रहा है और यहीं पे फीडबैक सिग्नल हमें बता रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक समिंग पॉइंट कर दिया, तो समिंग पॉइंट मतलब क्या? समिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम सिग्नल ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्लोट पोजीशन बताएगा कि भाई वाटर लेवल कम है, तो फिर से हम यहाँ पे वाटर लेवल को और बढ़ा देंगे। अगर बोल दिया फ्लोट पोजीशन है कि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, कम करो, तो यहाँ पे हम सिग्नल कम कर देंगे या फिर इनपुट स्टॉप कर देंगे। तो ये होगी कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें का जो इनपुट टू आउटपुट जा रहा है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। और आपके आउटपुट में जो कुछ भी चेंजेस करने हैं वो सेंस करने के लिए एक रहेगा आपका फीडबैक पाथ। तो यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट क्या है? आपका फ्लोट, और फ्लोट पोजिशन फीडबैक सिग्नल हो गया। समझ में आ रहा है कि इनपुट है, ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग है ना, बहुत सारे एलिमेंट हो गए इसमें। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग है। तो इनपुट आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट मिल रहा है। वो आउटपुट आपके हिसाब से डिजायर्ड नहीं है, इनकम्प्लीट है या फिर ओवर है, उसको एडजस्ट करने के लिए, वो सेंस करने के लिए आपको एक एलिमेंट लगेगा, उसको बोलेंगे हम फीडबैक एलिमेंट। जस्ट लाइक आई एम टीचिंग यू, लेकिन मेरा टीच किया हुआ, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए एक सिस्टम है कि आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हो गया फीडबैक। तो मैं आपसे फीडबैक कलेक्ट करूंगा और इसके हिसाब से फिर उसमें चेंजेस करूंगा। आर यू गेटिंग? वो चेंजेस अगर मेरे पास में आ गए, उसको फिर से मैं अल्टर करूंगा और फिर से इनपुट में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये होगी कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम। तो ऐसी कोई भी सिस्टम को हम अपने हिसाब से, अपने वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो जनरली कंट्रोल सिस्टम क्लासिफाइड इन थ्री वेज। वैसे तो उसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जनरल जो स्टडी में है वो हमारे तीन टाइप्स है हमारे स्टडी में। उसमें से सबसे पहला है ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम। तीन सिस्टम कौन सी है एक बार मैं बता दूं आपको। एक है ओपन एंड क्लोज लूप, सेकंड है लीनियर एंड नॉन लीनियर, एंड लास्ट वन इज टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये तीन सिस्टम है जनरली जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप बाकी बुक्स देखोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। ओके, जनरली ये तीन सिस्टम डिस्कस होती है। तो पहली है ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो जैसे इससे पहले हमने लिक्विड लेवल वाला एग्जांपल डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हो कि एक इनपुट है आर, आर ऑफ एस स्टैंड्स फॉर रेफरेंस इनपुट, रेफरेंस इनपुट। ओके, देन सी ऑफ एस मतलब हो गया कंट्रोल्ड आउटपुट, एंड टी एफ स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो यहां पे ओपन लूप सिस्टम मतलब वेरी सिंपल टाइप ऑफ सिस्टम इन विच इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट जहाँ पे नहीं रहेगा वो रहेगी आपकी ओपन लूप सिस्टम, जहाँ पे इनपुट है वो प्रोसेस हुआ और आउटपुट मिल गया। गेटिंग? सो सिस्टम इन विच आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट, जिसका आउटपुट इनपुट पे डिपेंड है। देखो आपने पर्टिकुलर इनपुट दिया यहाँ पे, वो प्रोसेस हुआ और आउटपुट मिला, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? जितना आप इनपुट दोगे, मतलब आपका आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट है। बट कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज टोटली इनडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट।
लेकिन इसका इनपुट आउटपुट पे कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। इनपुट जितना दोगे आप उतना आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट है, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा, लेकिन इसका इनपुट आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके सॉरी, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, जितना दिया उतना प्रोसेस हुआ और उतना आउटपुट मिला, दैट्स इट। कहीं पे भी उसका फीडबैक सिग्नल नहीं जा रहा है कि भाई इतना नहीं चाहिए, ज्यादा हो गया, कम हो गया, ये ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है। ओके सो ये हो गई ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम का एक डेफिनेशन है कि जिसका आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है वो हो गई ओपन लूप सिस्टम, या फिर जिसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं है, फीडबैक फंक्शनिंग नहीं है। ओके जिसमें फीडबैक फंक्शनिंग नहीं है वो हो गई ओपन लूप सिस्टम। सो ऐसी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या है वो देख लेते एक बार। वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एलिमेंट कमी कम है इसलिए कंस्ट्रक्शन सिंपल है, सिंपल इन डिजाइन एंड इकोनॉमिकल है। सिस्टम्स आर हैविंग ईजी मेंटेनेंस, ओके ये सब जनरल एडवांटेजेस है, नो इशू। डिसएडवांटेज क्या है कि सिस्टम आर इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल, कि जैसे मैं हमने बोला कि हम इसका आउटपुट वेरी नहीं कर सकते भाई, जितना इनपुट दिया है उतना आउटपुट मिल गया। ओके सो इसकी एक्यूरेसी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जितना वो सिस्टम देगा उतने पे हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। देन इनसेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड अफेक्ट आउटपुट, एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से वो चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसा आउटपुट दे रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आउटपुट भी अफेक्ट करेगा। Cannot sense internal disturbance and requires recalibration to maintain quality and accuracy. It cannot sense as well as internal disturbance and environmental changes. ये totally insensitive है, ऐसे नहीं कि climate condition क्या है या फिर operating condition क्या है, operating frequency क्या है, इसके हिसाब से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, just वो process हो रहा है और particular output दे रहा है, आपको कितना चाहिए या फिर कुछ एडजस्टमेंट का उसमें स्कोप नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट। ओके और इसका हर बार री कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा, जस्ट लाइक अ थर्मामीटर। तो जैसे आज आपने परचेस किया, आज वो प्रॉपर रीडिंग दे रहा है, 3 साल हो गए उसके बाद में, वो रीडिंग प्रॉपरली दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके लिए उसका कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो किसी स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन रहेगा कि भाई इसी थर्मामीटर से हमने उसको सेंस किया टेम्परेचर और इट इज शोइंग लाइक अ 52 डिग्री सेल्सियस, और किसी स्टैंडर्ड से उसी टेम्परेचर को हमने सेंस किया, इफ इट इज शोइंग यस 52 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स योर करंट इक्विपमेंट और करंट थर्मामीटर इज गुड, इट्स इन प्रॉपर वर्किंग, ठीक है। तो ये हो गया कैलिब्रेशन, कि उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, चेक करना। अब ओपन लूप सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी कि ओपन लूप सिस्टम बोलते किसे है। मतलब जैसे हमने बोला कि उसका आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट है, या फिर कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट आउटपुट से इनडिपेंडेंट है, जिसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे पहला एग्जांपल है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की का बेसिक फंक्शन क्या है, टू वॉश, टू क्लीन द क्लोथ, ठीक है। तो आपने डर्टी क्लोथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए, पानी डाल दिया, देन सर्फ डाल दिया, ठीक है, और वो वॉश हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आपने जितनी साइकिल के लिए उसको सेट किया है उतनी साइकिल कंप्लीट होगी। अगर आपने क्लीन क्लोथ वॉशिंग मशीन में पुटअप किया और डिटर्जेंट डाल के, पानी डाल के अगर उसको रन किया, तो भी वो उतना ही रन होगा। दैट मीन्स मशीन कैनॉट रीड और सेंस क्लीनलीनेस ऑफ दैट क्लोथ। अगर आपने डर्टी क्लोथ डाला या फिर क्लीन क्लोथ अगर उसमें डाला, तो दोनों टाइम वो उतना ही प्रोसेसिंग करेगा। इट मीन्स उसमें फीडबैक एलिमेंट या फीडबैक एक्शन कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया। देन सेकेंड एग्जाम्पल है स्प्रिंकलर यूज टू वाटर लॉन, ठीक है, लॉन को वाटरिंग करने के लिए, पानी डालने के लिए स्प्रिंकलर। अगर ऑलरेडी वाटर्ड हो चुका है फिर भी स्प्रिंकलर आप ऑन करो, तो वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा कि भाई पहले से पानी डाला हुआ है फिर से ऑन मत करो, नहीं, ठीक है। देन ऑटोमेटिक टोस्टर सिस्टम, सेम एग्जाम्पल, कि रोस्ट की हुई टोस्ट अगर आप टोस्टर में डालते हो तो भी फिर से रोस्ट होगी। देन ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, ट्रैफिक लाइट देखा होगा आपने हर एक स्क्वायर पे, तो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है कि दो दो मिनट के लिए या एक एक मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल हो रही है,
बाय चांस अगर किसी एक साइड में कुछ भी ट्रैफिक नहीं है तो वो जल्दी ग्रीन हो जाएगा क्या? नहीं, जो स्टैंडर्ड टाइम से रन होगा। दैट मीन्स एक्चुअल पैरामीटर पे वो डिपेंडेंट नहीं है, जो उसकी रनिंग साइकिल है उस पे वो डिपेंडेंट है। तो जितना जैसा आउटपुट हो रहा है वैसा आउटपुट मिल रहा है वहाँ पे, हम उसका आउटपुट वेरी नहीं कर पा रहे, दिस इज नोन एज। और यहाँ पे कहीं पे भी फीडबैक सिग्नल नहीं मिल रहा है कि ये ऑलरेडी हो चुका है या फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इन सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन लूप सिस्टम। गेटिंग क्लियर है? सो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, स्प्रिंकलर टू यूज वाटरिंग लॉन, ऑटोमेटिक टोस्टर सिस्टम एंड ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। हियर आफ्टर वी विल स्टडी क्लोज लूप सिस्टम। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लोज लूप। सो वी आर स्टॉपिंग हियर, थैंक यू।